श्रीकाल, सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो, और आज की वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और वीडियो है कि जब प्रोफेट मोहम्मद अपनी बेटी हजरत फातिमा को भाई जब उनके ससुराल लेने गए तो वहां पे क्या सीन हुआ, क्या हुआ, क्या बातें हुई, या क्या देखा उन्होंने ऐसा वहां पे, तो वो देखेंगे हम इस वीडियो के बीच में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। और बाकी इसको प्ले करते हैं पहले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी और हजरत अली शेरे खुदा की बीवी और हजरत हसन और हुसैन की वालिदा हैं। आपकी केवल 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आपने नबुवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब फातिमा की हालत शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर फातिमा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हजरत अली रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी रोजाना की पूरी कमाई किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हजरत फातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास में हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों के परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हजरत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम में आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हजरत अली और बीवी फातिमा का जोड़ा मिसाली रहा है। हजरत फातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी अपने लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फरीजा शौहर की खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज हो, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज है, हमेशा मेरी बेटी फातिमा के साथ में अच्छा बर्ताव करना। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपने लाडली बेटी हजरत फातिमा को लाने उसके ससुराल तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देख कर हजरत बीवी फातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, और खास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती है। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने लाडली और प्यारी बेटी को लाने के लिए फातिमा के ससुराल गए, यानी कि हजरत अली के घर तशरीफ ले गए। और आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हजरत फातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है, अगर इजाज़त दो तो मैं अपने शौहर हजरत अली का इंतज़ार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारी नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी आहत को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल वहीं पर यानी कि वही कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हजरत अली का इंतजार करने लगे। आज ये भी बड़ी अजीब बात थी कि आज हजरत अली भी घर बड़ी देरी से आए। जब हजरत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए।
इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से पूछा, ऐ अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊँ। ये सुनकर हजरत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूँ, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हजरत अली से घर जाने की इजाज़त ना ले लूं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हजरत अली अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप दुआ करना, अल्लाह पाक फातिमा के इन आमाल के बरकत से मुझे कल कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। और खास करके ऐसी औरतें जो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाती है और बाजारों में घूमती फिरती है, इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की आंखें खुल जाएंगी। हजरत मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है कि मदीना शहर में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। दोस्तों, उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसका मायका था, जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, उसका कोई पैमाना नहीं कि कोई उसको माप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि उसको कोई तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर मुझको पाबंद करके गए हैं, और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे पाबंद किया है, आपने फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ पहले अल्लाह के रसूल से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जजा अता फरमाएगा। खैर दोस्तों, दो दिनों के बाद मैं फिर से खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी से पता किया तो आपने फिर फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जजा अता फरमाएगा। दोस्तों, इसके बाद चार दिन गुजरे के खबर आई कि तुम्हारा बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचिए कि चाहे कोई बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसका बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरे जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे उनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही है। इसने अल्लाह के प्यारे नबी के पास में फिर से पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे। आपने फरमाया कि उस औरत से कह दो अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जजा अता फरमाएगा। दोस्तों, ये है अल्लाह के रसूलों को मानने वाली औरत। कुछ ही दूरी में बाप इंतकाल कर गया, मगर शौहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर दो दिनों के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि पता करो उस औरत को, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं। तो सहाबा इकराम पता करके आए
और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कुर्बान जाए आपके निजाम पर, आपके फरमान पर, आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दिन की पहरेदार बन गई है, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि उस औरत का मुकद्दर जागा, हमने देखा कि चंद आंसू हुजूर के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर उस औरत को ये खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर के इताअत की है, तेरी इस फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। मगर दोस्तों, आज कल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शौहर अपने बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए वो काम और ज्यादा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मेरी इस्लामिक माँ और बहनों, इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं है। ये हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है कि शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से कभी भी मत निकलना, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए आप प्यारे नबी के इस फरमान पर अमल जरूर करें, इंशाअल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो और इसमें भाई जो चीज़ बताई गई है इस वीडियो में कि प्रॉफिट मोहम्मद उनके घर पे गए और मतलब कि अच्छा, एक बंदा सोचता है कोई कि प्रॉफिट आया है, ऊपर से प्रॉफिट मोहम्मद आए हैं तो उनको मना करना किसी भी चीज़ के लिए, है ना, कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, अपने बेटे को बुलाने आए थे, लेकिन बेटे ने कहा कि भाई आपने ही मेरे को ये शिक्षा दी है, आपके ये संस्कार हैं कि अपने पति से बिना पूछे कभी भी कहीं मत जाना। लेकिन आजकल आप सभी को पता है कि ज़रा सा झगड़ा होता है, बैग पैक होते हैं और डायरेक्ट मायके ऊपर से पति बुलाने जाता है। सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। अपना एग्जांपल दे दिए साथ में, और प्लीज़ कि वापस आ जा, प्लीज़ वापस आ जा। लेकिन आजकल भाई वो चीज़ कहाँ रही है कि जितनी रिस्पेक्ट औरतें पहले करती थी अपने हस्बैंड की, आजकल तो भाई दौर चेंज हो रहा है। और बाकी तो ये था वाक्य, और होप सो आपको वाक्य पसंद आएगा। ऐसे ही और अमेजिंग वाक्य हम भी ढूंढते रहेंगे और आप भी हमें बताते रहना, सो दैट आपको भी पता लगे और हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।